आसुची बड़ वर्षा पांच दिन जाए प्रबल बर्षि गोटे पटे घूर्णी बलय अन्य पटे मौसुमी सक्रिय उत्तर पश्चिम संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में सृष्टि होता घूर्णी बलय प्रभाव में सारा राज्य में लागि रही वर्षा। आज प्रबल वर्षा नहीं बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर पुरी खोर्धा कटक जाजपुर झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ और सुंदरगढ़ को सतर्कता जारी कर सबु जिले में 70-110 मिलीमिटर जाए वर्षा हो पाए। से 29-30 तारीख में आभ्यंतरण ओडिशार सबु जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं आकलन कर प्रभाव में कच्चा घर और कच्चा रास्ता प्रभावित हो पाए। घूर्णिबल प्रभाव में मौसुमी निम्न चापरेखा सक्रिय रही फल राज्य में उपजुवा नियंतिया वर्षा स्थिति धीरे धीरे भरणा हो तली अंचल पानी जमीवा सह उपजिपा ट्राफिक समस्या पहाड़िया अंचल में माटी अतड़ा धसवार आशंका रही सतर्क करणिपाग विभाग 11 जिला को सतर्क सूचना जारी कर मौसुमी को घूर्णिबल बल दे राज्य में आहरी 5 दिन प्रबल वर्षा संभावना पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जा उत्तर पश्चिम संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में घूर्णिबल सृष्टि होती ए घूर्णिबल प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा लग रही है। अधिक आलोचना करवा पाणीपाग विशेषज्ञ शरत चंद्र साहू आम सहित फोनलाइन रोचते श्री साहू आपको अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। गोटे पटे घूर्णिबल आपतु अंपटे मौसुमी सक्रिय रही है यार प्रभाव सारा राज्य में केमी रही आकलन कर आज किसी पोर्शन रे वर्षा रही विशेषकर उत्तर ओडिशा पटर नहीं आज आली आर्षा तुआ कुतुआ रही अधिकांश जगह वर्षा रही अल्प किसी जगार हेवी रेनफल रही क्यों क्यों जिले में विशेषकर अधिक वर्षा हेवी रेनफल रही किसी आकलन करे कि श्रीयुक्त साहू तार आकलन जना पड़ी आसंता काली आज राति काली सका आपणकर मयूरभंज केन्दुझर ढेंकानाल आउ बालेश्वर यही पकेट रे बर्षार परिमाण टिके अधिक आई पारे ता छड़ा आपणकर सुंदरगढ़ देवगढ़ से पकेट रे भी संभावना रहउछ। आज्ञा आगो को केमिति स्थिति रहइबो घूर्णिबल जे सृष्टि होईछि मौसुमी मध्य सक्रिय रहइछि आगो को एहा घनीभूत हेबो सेनि किछि आकलन करा जाई पारे कि घनीभूत आबने जति लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेला ताले सही ओडिशा मानने जो आम रोज वेस्ट बेंगल तल भाग किसी पोर्सन आ समुद्र आज हो पाए कितना ये स्ट्रंग ना फेबुल टाइप रघुचाप क्षेत्र हो पाए कि प्रभाव में आज का जहाँ बर्षार परिमाण रोदिन ठू बर्षार परिमाण कमिज कि खरा जो रोचे आयुमंडल जलय बास्त मात्रा अधिका रोचे कि गाँ भाँ कौटी घड़ घड़ जन बर्षा 30 तारिख रु हम आउ मैंने एमती कह पुणी जा 6-7 तारिख भी बर्षार संभावना रोचे कंटिन्यूअस वर्षा ना कि गरम रही जो टेम्परेचर 35 डिग्री 34 डिग्री रही है समय जलय बाष्प अधिक थी गाँ भाँ कौटी घड़ घड़ जन वर्षा रही है। श्रीयुक्त साहू चलित वर्ष आम देखा आप देखते जून मसने जो नियंतिया वर्षा होथर जो मौसुमी वर्षा से नियंतिया वर्षा को संपूर्ण भाव में भरणा कर कि ना कर कारण जदि अधिकांश जगार हेवी रेनफल होता किसी परिमाण में भरणा करता किंतु नॉर्मल रेन जो यही समय भी जो हवा कथा ताकू मैच करी एक्सेस रेन एतटा मैच करिवनी किंतु हेवी रेनफॉल बहुत कम जगह रहबो सेतबाई भरणा करिव संभव नहीं एक जून मास रे। आज्ञा श्रीयुक्त साहू साधारण तो आम देखी आसीचे प्रत्येक वर्ष जून मास रे मौसुमी सक्रिय रही थाए वर्षा भल भाव हुए चाषी माने मध्य चाष काम आग को बढ़ाई थांते किंतु चलित वर्ष एभली नियंतिया वर्षा हेबार कारण कौन बोली कह जाई पारे कारण एक्चुअली आमर जो साइक्लोन रा आसला मे 20-25 तारिख को रेमाल साइक्लोन से ही फल मनसुन रोटा डिस्टर्ब रोचे कारण आम बंगोपसगर फ्लो एत स्ट्रंग रोचे जहाँ आरब सगर पटर वन फ्लो रोच जलय बास्प आते फेवरेबल हूँ किसी वर्षा करने कि अन्य वर्ष मानक आरब सगर भी थाए बंगोपसगर भी ता सहित मिशी थाए जहाँफल कि आम वर्षार परिमाण अधिक रही है कि बंगोपसगर एपट जदि घूर्णिबल थी का दिन कितु सेत वर्षा देलानी कारण से तल भाग पड़ा जहाँ फल कि आपंकर इंटेरियर छत्तीसगढ़ आभ्यंतर ओडा से पकट में वर्षार परिमाण अधिक रहा उपकूल पार्ट में चुआ कुआ वर्षा रहा कि तार मात्रा ये अधिक नाला। आज्ञा बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित रही है शरत चंद्र साहू पाणीपाग विशेषज्ञ अधिक आलोचना करुते आग को बड़ वर्षा हो घूर्णिबल रही गोटे पटे मौसुमी सक्रिय रही यार प्रभाव में आगामी 5 दिन पर्यंत सारा राज्य में वर्षा जारी रहा।